friends, welcome you to our channel Vital Wide Visual. So in this video I am going to share introduction question. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन. द टुडेज टॉपिक इज लैंग्वेज. तो आज का जो टॉपिक है जिसपे हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर. सो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी आपको आपकी आज की स्पीकिंग में एग्जामिनर की ओर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो सभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आप बने रहे हैं आज की हमारी इस वीडियो में. तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आज रिलेटेड देखने के लिए. बेल आइकन दबा सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए. लाइक कर सकते हो मोटिवेट करने के लिए. डिसलाइक कर सकते हो अगर पसंद ना भी आए. अगर आपको कोई कमेंट करना हो, कोई सजेशन भेजना हो या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन कर सकते हो. अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो. सो गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक. तो आपसे पूछा गया है कि आप कौन सी भाषाएँ बोलते हैं. सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज I speak Punjabi, Hindi and English. मैं पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश बोलती हूँ जब बोलता हूँ. अगर आप कोई और लैंग्वेज बोलते हो तो आप वो भी बोल सकते हो. लाइक बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है या फिर कुछ लोग जैसे तमिल आती है. The next question is When did you learn English? तो आपसे पूछा गया है कि आपने इंग्लिश कब सीखी. तो सी इंग्लिश कदों सीखी ये पूछा गया है आपसे. द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. जब मैं पहली क्लास में था या क्लास में थी तब मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू की थी. प्रोबेबली शायद आई वाज अराउंड 5 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम. कि शायद मैं उस टाइम 5 साल का या 5 साल की थी. तो आप ऐसे बोल सकते हो. द थर्ड क्वेश्चन इज डू यू थिंक इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न. सो आपसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीखना डिफिकल्ट है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कंसिडर मुझे लगता है आई थिंक भी बोल सकते हो. कंसिडर एंड थिंक आर बोथ एक दूसरे के सिनोनिम है. लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट डिफिकल्ट टास्क. जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको लर्न करना मतलब इसको सीखना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स इंटरेस्ट, प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन. ये सारा चीज़ जो है वो डिपेंड करता है एक पर्सन के जो इंटरेस्ट है उसका कितना रुझान है इस लैंग्वेज में, कितना उसको इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस कितनी करता है वो पर्सन इस लैंग्वेज की एंड और कितना डेडिकेशन है, कितना वो इस लैंग्वेज को समर्पित है कि हाँ मेरे को ये लैंग्वेज सीखनी है. सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना डिफिकल्ट है तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इतनी जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी या फिर क्यों सीख ली. ऐसे पूछ सकते हैं बिकॉज आपने फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन उसमें बोला कि मैं 5 साल का था जब मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया था. लाइक यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपने ये बोला तो उससे क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा बहुत सोच समझ के पूछेगा आपसे, जिससे मतलब उसका मोटिव होता है कि आपको उलझा ले वो अपने जो क्वेश्चन हैं उनमें. तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना डिफ़िकल्ट है. वैसे अगर सिंपली बात की जाए दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है ये सीखने के लिए. सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो वुड यू लाइक टू लर्न अदर लैंग्वेजेस. तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप दूसरी भाषाएँ सीखना चाहोगे. वर्ड लगाया गया है गाइस तो ये फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे. सो द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज यस हाँ आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज. कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहूँगी बिकॉज क्योंकि माई कज़न सिस्टर जो मेरी चचेरी बहन है उसने हैज़ डेवलप्ड माई इंटरेस्ट इन दिस लैंग्वेज. उसने मेरा जो इंटरेस्ट है मेरी दिलचस्पी इस लैंग्वेज में बना दी है
बट टेलिंग मैनी थिंग्स अबाउट दिस, मतलब कि उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, जिससे कि मेरे अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो गया है इस लैंग्वेज को सीखने का. सो आई वुड लाइक टू लर्न दिस लैंग्वेज. सो मैं इस लैंग्वेज को लर्न करना चाहूँगी फ्यूचर में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. आज के वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली हो एंड आपकी आज स्पीकिंग इम्प्रूव हुई हो. सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर.